इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप देख पाओ वीडियो सबसे पहले। राजस्थान की रेतीली धरती में के राज दफन है। यह राज ऐसे हैं जिन्हें जानकर बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। कोलधारा गांव और भानगढ़ का किला ऐसे ही रहस्यमय स्थानों में से एक है जो भूता स्थान के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। कोलधारा और भानगढ़ से अलग एक और रहस्यमय स्थान है जो बाड़मेर जिले में स्थित है। यह स्थान है किराड़ो का मंदिर। पूरे राजस्थान में खजुराहो मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर प्रेमियों को विशेष आकर्षित करता है, लेकिन यहाँ की ऐसी खौफनाक सच्चाई है जिसे जानने के बाद कोई भी यहाँ शाम के बाद ठहरने की हिम्मत नहीं कर सकता। किराड़ू के मंदिर विषय में ऐसे मान्यता है कि यहाँ शाम ढलने के बाद जो भी रह जाता है वह या तो पत्थर का बन जाता है या मौत की नींद सो जाता है। किराड़ू के विषय में यह मान्यता वर्षों से चली आ रही है। पत्थर बन जाने के डर से यहाँ शाम ढलते ही पूरा इलाका वीरान हो जाता है। इस मान्यता के पीछे एक अजब दास्तान है जिसके गवाह एक औरत की पत्थर की मूर्ति है जो किराड़ू से कुछ दूर श्रेहणी गांव में स्थित है। वर्षों पहले किराड़ू में एक तपस्वी पधारे, इनके साथ शिष्यों की एक टोली थी। तपस्वी एक दिन शिष्यों को गांव में छोड़कर देशांतर के लिए चले गए। इस बीच शिष्यों का स्वास्थ्य खराब हो गया। गांव वालों ने इनकी कोई मदद नहीं की। तपस्वी जब वापस किराड़ू लौटे और अपने शिष्यों की दुर्दशा देखी तो गांव वालों को शाप दे दिया कि यहाँ के लोगों के हृदय पाषाण हैं, वह इंसान बने रहने योग्य नहीं हैं, इसलिए सब पत्थर के हो जाएं। एक कुम्हारन थी जिन्होंने शिष्यों की सहायता की थी। तपस्वी ने उस पर दया करते हुए कहा कि तुम गांव से चली जाओ वरना तुम भी पत्थर के बन जाओगी, लेकिन याद रखना जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना। कुम्हारन गाँव से चली गई, लेकिन उसके मन में यह संदेह होने लगा कि तपस्वी की बात सच भी है या नहीं। वह पीछे मुड़कर देखने लगी और वह भी पत्थर की बन गई। शेहणी गांव में कुम्हार के पत्थर की मूर्ति आज भी उस घटना की याद दिलाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।